जय हिंद दोस्तों, बड़ी खुशखबरी, SSGD कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022-23 को लेकर। जी हां दोस्तों, इस बार का काफी बड़ा वह सुनहरा मौका आप सभी के लिए SSGD कांस्टेबल में भर्ती होने का मौका है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा इस बार। तो यहां पर बात करने वाले दोस्तों, इस बार के रिक्रूटमेंट में किन किन अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला, क्या एज क्राइटेरिया में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, एज की गणना कब से होगी, साथ ही कब से ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों का शुरू होगा, पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आगे आने वाली SSGD कांस्टेबल भर्ती 2022-23 से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलो दोस्तों, देखते हैं सारी जानकारी। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, SSC का ऑफिशियली नोटिफिकेशन है और ऑफिशियली नोटिफिकेशन के थ्रू ही सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया को लेकर, कि एज क्राइटेरिया इस बार कितना रहेगा। जो अभ्यर्थी है जो पिछला रिक्रूटमेंट 2021 का था उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए, क्या उन अभ्यर्थियों को यहां पर मौका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं। अगर आप भी SSGD कांस्टेबल 2022-23 की तैयारी करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की काफी अच्छी गाइड मार्केट में आ चुकी है। जी हां दोस्तों, संपूर्णतः सिलेबस के हिसाब से इस गाइड को तैयार किया गया है, साथ ही आपको 3 सोलोड पेपर मिलेंगे जो कि 2021 की SSGD में पूछे गए, साथ ही 2500 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन के साथ ही करंट अफेयर्स भी आपको इस बुक में प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके साथ ही चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्क बुक भी मार्केट में आ चुका है। जी हां दोस्तों, जिसमें आपको 9 सोलोड पेपर के साथ ही 20 प्रैक्टिस सेट और 3300 प्लस आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चंस मिलने वाले। तो दोनों ही बुकें दोस्तों आपके सिलेक्शन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, और दोनों ही बुकों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी जाके आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले एज क्राइटेरिया को लेकर, इस बार किन किन अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है SSGD कांस्टेबल में। तो मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम अगर आपकी एज 23 वर्ष तक है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इस बार जो एज की गणना होगी आप लोगों की दोस्तों, वो 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2022 से आप लोगों की एज की गणना की जाएगी। ओबीसी वाले कैंडिडेट 26 साल तक और SC ST वाले कैंडिडेट 28 साल तक इस बार इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों केवल और केवल 10वीं पास रहेगी, 10वीं में कितने भी परसेंट हो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका सेम रहेगा। सबसे पहले आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और यह एग्जामिनेशन SSC कंडक्ट करवाने वाली है। और इस बार भी दोस्तों आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 ही मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 रहेगी। जी हाँ, आप देख सकते हो दोस्तों 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली है। और जो भी कैंडिडेट दोस्तों रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, मतलब आपकी वैकेंसी के 12 गुना कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए यहां पर बुलाया जाएगा। जी हां दोस्तों, फिजिकल के लिए यहां पर बुलाया जाएगा, वैकेंसी के 12 गुना कैंडिडेटों को रिटर्न एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किया जाएगा। और दोस्तों फिजिकल में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनमें से वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेटों को मेडिकल और DV के लिए बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद में फाइनली मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों का फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों इस बार का जो नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी वो कितनी रहेगी, साथ ही बात करेंगे कि दोस्तों कब से आप लोगों के लिए ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने वाले। तो सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस बार की नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर बात करें तो वैकेंसी इस बार काफी अच्छी आपको देखने को मिल सकती है 2022-23 के रिक्रूटमेंट में। अगर बात करें तो आपका जो रिक्रूटमेंट होगा जिसमें BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, NIA, SSF और असम राइफल के पदों पर रिक्रूटमेंट होगा। और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 80,000 के लगभग पदों का इस बार का रिक्रूटमेंट होगा। जी हां दोस्तों, 80,000 के लगभग कैंडिडेट होंगे जिनको इस बार दोस्तों 2022-23 के रिक्रूटमेंट में SSGD कांस्टेबल में भर्ती होने का मौका मिलेगा। और इसकी गारंटी मैं आप सभी को बताता हूं कि हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा में भी गृह मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि लॉकडाउन के बाद में ही दोस्तों काफी ज्यादा वैकेंसी पैरामिलिट्री फोर्सेज में खाली हो चुकी है, वही काफी नई बटालियंस बना ली गई है जिसके कारण काफी जवानों की कमी चल रही है। और इसी बीच 2022-23 के रिक्रूटमेंट में
में आप लोगों के लिए बंपर भर्तियां होने वाली है। अगर बात करें दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई के लिए कि ऑनलाइन आप अप्लाई कब से कर पाएंगे, तो यहां पर आप देख लीजिएगा ऑनलाइन अप्लाई है वो आपका 22 फरवरी से शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, 22 फरवरी से आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 31 मार्च 2023 तक। और यहां पर जून जुलाई के लगभग आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन भी एसएससी कंडक्ट करवा लेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। इसके अलावा पूरी जानकारी डिटेल से देखना चाहते हैं तो साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा जहां जाके आप पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।